हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के इस वीडियो में आबकारी आरक्षक 2023 के शासन एग्जाम का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 21 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस फाइनली अब हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का इससे पहले हम आपको दे चुके हैं, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, यहाँ पर हम ए बटन पर आपको दे देंगे जहां से क्लिक करके आप अब तक के सभी एनालिसिस देख सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एनालिसिस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए हम पूरी डिटेल के साथ में एनालिसिस आपको करवाते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल पाए। क्लियर है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी तरह से कोशिश करें। गाइस, आपका अगर आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर क्वेश्चंस जरूर से सेंड किया करें ताकि हम आपके लिए एग्जैक्ट एनालिसिस लेकर आ पाए। सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड है और अच्छे जो क्वेश्चंस है ये लिए हैं, क्योंकि फेक क्वेश्चंस नहीं लिए, 100% ऑथेंटिक है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, फेक क्वेश्चंस हम आपको नहीं बताते हैं। क्लियर है गाइज, आपको बता दें इस वीडियो के पीडीएफ हमने डाल दिए, पहले वाले जितने भी एनालिसिस थे उनके पीडीएफ हमने स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। फॉर्म पर स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये ऑप्शन दिख जाएगा आपको, इसमें हमने सारे पीडीएफ डाल दिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों जगह पर पीडीएफ डाली है तो डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दोनों की मिल जाएगी। महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर हमारा चल रहा है जिसमें अप टू 90% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 22 फरवरी रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, दोबारा से नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक किसी भी कोर्स टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, इसके बाद में दोबारा से ये ऑफर नहीं मिलेगा। महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में कि महामारी जोखिम कुल समिति का प्रमुख कौन है। महामारी कुल समिति का प्रमुख कौन है? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन हमें लग रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है ये, है ना। और क्या क्वेश्चन पूछा है अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चंस आधा अधूरा लग रहा है। हमने काफी ज्यादा इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो ये इस तरह का कोई भी समिति नहीं है, है ना। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन इसकी जगह क्या आया था। क्लियर है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिज्र खा का उत्तराधिकारी कौन था? खिज्र खा का उत्तराधिकारी कौन था? तो खिज्र खा का जो उत्तराधिकारी था ये मुबारक खान था, माफ कीजिएगा, मुबारक शाह आपका सही जवाब रहेगा। खिज्र खा का पुत्र था मुबारक शाह और उसका उत्तराधिकारी ये मुबारक शाह ही बना था। क्लियर है, तो मुबारक शाह ने दुआब क्षेत्र के स्थानीय प्रमुखों और खोखरों के विद्रोह को उछल दिया था। क्लियर है, सैयद खिज्र का सैयद वंश का शासक था खिज्र खा, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, सैयद वंश का संस्थापक ये था। क्लियर है, उत्तर भारत में तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के तुरंत बाद यह वंश जो है अस्तित्व में आया और वहां तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के अधीन मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था। क्लियर है, अगला क्वेश्चन बना है आपका सेकंड शिफ्ट में, एस आर बम्बई मामलों का संबंध किससे है? अनुच्छेद आपसे पूछा था कि एस आर बम्बई मामलों का संबंध किससे है, अनुच्छेद 356 आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है, एस आर बम्बई मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत के साथ साथ अनुच्छेद 356 के घोर दुरुपयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों में से एक दिया। एस आर बम्बई अगस्त 1988 और अप्रैल 1989 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये थे, एस आर बम्बई। क्लियर है गाइस, एस आर बम्बई बनाम भारत संघ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की घोषणा और विधानसभाओं के विघटन से संबंधित कानून का एक गंभीर सवाल उठाया। तो आप ये याद रखिएगा, थोड़ा सा हमारी आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और एमपी की नंबर वन टेस्ट सीरीज है, आप डेमो चेकआउट करिएगा ताकि आपको समझ में सारी चीजें आ पाए। क्लियर है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? संत रामानंद का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। वैष्णव भक्ति कवि थे संत रामानंद, इनका जन्म 13वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। रावण ने चारों वर्णों को भक्ति की अवधारणा सिखाई, है ना, चारों वर्णों को भक्ति की अवधारणा सिखाई और अंतर जाति भोजन पर प्रतिबंध की अवहेलना इन्होंने की थी। वहां अपने शिष्यों के साथ भोजन करते थे, उनके 12 शिष्यों के बारे में कहा जाता है कि उनमें निचली जातियों के सदस्य एक मुस्लिम कबीर और कम से कम एक महिला शामिल थी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु कितनी है? यानी प्रधानमंत्री जीवन बीमा जो योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी जो आयु है ये कितनी है? तो 18 से 50 वर्ष तक की आयु इसमें रहती है नामांकन जो पात्र होते हैं उनके लिए, तो पात्रता की आयु बेसिकली आपसे पूछी है नामांकन के लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसमें नामांकन करने की आयु 18 से 50 वर्ष तक है। फरवरी 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में इसका मूल रूप से उल्लेख किया गया था। कब किया गया था? 2015 फरवरी में। और इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रारंभ किया था। क्लियर है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर जीएसटी की छूट है ना, किसी कारण से मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को भुगतान 2 लाख रुपए होगा। क्लियर, को भुगतान 2 लाख रुपए होगा। अगला क्वेश्चन बना है, अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा याद रखिएगा। अनफिनिश्ड संस्मरण है, बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखा गया है और अपना पहला उपन्यास अनफिनिश्ड एमओआर
मेमोयर के विमोचन के साथ अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस आधिकारिक तौर पर एक लेखक भी बन गई है। एंड रिजल्ट माइकल जोसेफ द्वारा प्रकाशित है, ये एक पुस्तक है जिसमें एक अभिनेता और निर्माता के रूप में उनके 20 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर और यूनिसेफ के लिए एक सद्भावना राजदूत के रूप में उनकी भूमिका को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका सेकंड शिफ्ट में कि गृह मंत्रियों का दो दिवसीय ये एक चिंतन शिविर हुआ था, ये कहां पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है? तो हरियाणा के सूरजकुंड में हुआ मंत्रियों का यानी गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर था दो दिवसीय, जो कि हरियाणा के सूरजकुंड में हुआ। तो गृह मंत्रियों का यह चिंतन शिविर 27-28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित किया गया है ना, और इस शिविर में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक डीजीपी और सीएपीएफ और सीपीओ के महानिदेशक भी इसमें शामिल हुए थे। ये चिंतन शिविर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें। देखिए, सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन हरियाणा के सूरजकुंड में हो रहा है। इसमें साइबर अपराध को रोकने, क्या है ये, साइबर अपराध को रोकने, महिलाओं की सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित आंतरिक सुरक्षा को मुद्दों पर मंथन किया जाता है। ये एक तरह का चिंतन शिविर है जिसमें तरह तरह की जो अपराध वगैरह जो भी चीजें हैं उनके बारे में चिंतन किया जाता है। तो ये चिंतन शिविर इसीलिए इसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन बना है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। पहले पृथ्वी दिवस को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है और इसे ग्रह की सबसे बड़ी नागरिक घटना के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। पृथ्वी दिवस का उद्देश्य क्या है? तो लोगों और ग्रह के लिए परिवर्तन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन बनाना इसका उद्देश्य है। आंदोलन का मिशन अगर हम बात करें तो दुनिया भर में पर्यावरण आंदोलन को विविधता और शिक्षित और सक्रिय करना इसका मिशन है आंदोलन का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसमें कितने सदस्य थे? तो 72 सदस्य रहे। याद रखिएगा 28 दिसंबर को 1885 को 72 सदस्यों के साथ में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। क्लियर है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ में 28 दिसंबर को हुई थी 1885 को। कहां पर? मुंबई यानी बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी जिनको बोला था A.O. Hume, ये थे। और इन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। याद रखिएगा, इसीलिए हम सारी डिटेल के साथ आपको लेकर आ रहे हैं ताकि आपके आगे आने वाले सेक्टर में क्वेश्चंस बने तो यहीं से पूरे कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिविंग प्लैनेट सूचकांक क्या है? ये क्वेश्चन बना है आपका। स्थलीय मीठे पानी और समुद्री पर्यावासों के कशेरुक प्रजातियों की संख्या प्रवृत्ति के आधार पर दुनिया की जैविक विविधता की स्थिति का एक मापन यह है लिविंग प्लैनेट सूचकांक। और आसान भाषा में आपको समझाते हैं, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स ये होता है सूचकांक इंडेक्स, जिसको लिविंग प्लैनेट इंडेक्स यानी LPI बोला जाता है। दुनिया भर से प्रजातियों की कशेरुकी आबादी में आने वाले रुझानों के आधार पर वैश्विक जैव विविधता की स्थिति का संकेतक ये होता है। सर्वप्रथम वर्ष 1998 में इसे प्रकाशित किया गया था और यह रिपोर्ट वर्ष में दो बार प्रकाशित होती है। जैव विविधता के सम्मेलन द्वारा 2011-20 के लक्ष्य जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी और तत्काल कार्रवाई करने की दिशा में प्रगति के संकेतक के रूप में इसे अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन बना है आपका, सितंबर 2021 के अनुसार भारत के ऊपर कितना कर्ज है? सितंबर 2021 के अनुसार आपसे पूछा गया है कि सितंबर 2021 के अनुसार भारत के ऊपर कितना कर्ज है ना, तो सही जवाब रहेगा 43.32 लाख करोड़ रुपए। सितंबर 2021 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अनुसार आपसे पूछा है तो हमने वही बताया है आपको। क्लियर है? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में सितंबर 2021 को एक रिपोर्ट जारी किया है ना। इस रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि इस साल विदेशी कर्ज देश पर 43.32 लाख करोड़ रुपए है। क्लियर है? और देश की जनसंख्या 130 करोड़ मानकर सरकार ने बताया कि हर व्यक्ति पर करीबन 32,000 रुपए है। 7 साल पहले 2014 में देश पर विदेशी कर्ज 33.89 लाख करोड़ रुपए था। अगला क्वेश्चन बना है आपसे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है ये 5 जून को हर साल मनाया जाता है। 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सरकारों, व्यवसायों, मशहूर हस्तियों और नागरिकों को एक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दे पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शामिल करना इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। यह पहली बार 1974 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस का विषय केवल एक पृथ्वी था, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का जो विषय है ये भी केवल एक पृथ्वी है, केवल एक पृथ्वी। क्लियर है? विश्व एड्स दिवस हर साल 1 सितंबर को मनाया जाता है, माफ कीजिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है और भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट ये है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, युकियांग नांग बहा की 160वीं पुण्यतिथि किस राज्य में मनाई गई? युकियांग नांग बहा की 160वीं पुण्यतिथि जो मनाई गई ये मेघालय राज्य में मनाई गई। मेघालय के नेताओं और लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी युकियांग नांग बहा को उनकी 160वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
युक यांग नांगबाहा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और उन्हें 30 दिसंबर 1862 को जवाई कस्बे के में सरेआम फांसी दे दी गई थी। तो ये याद रखिएगा, युक यांग नांगबाहा की 160वीं पुण्यतिथि जो मनाई गई, ये मेघालय राज्य में मनाई गई। अगला क्वेश्चन बना है आपसे, हेलीकॉप्टर मनी क्या है? हेलीकॉप्टर मनी क्या है? अब ये डिटेल इसके बारे में पूरी बताइए कि ये मनी क्या है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर आंसर में एक लाइन में बताना पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि आपको सारी चीजें समझानी भी रहती है। तो हेलीकॉप्टर जो मनी है, देखिए आर्थिक संकट के बीच जब आम लोगों को खर्च कम हो जाता है, आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होती है, जब आम लोगों को खर्च कम हो जाता है तो सरकार मुफ्त पैसे बांटकर लोगों के खर्च और उपभोग दोनों को बढ़ाती है। यानी सरकार जो है लोगों को सीधे उनके खाते में पैसे डालती है, क्लियर है? ताकि लोगों का जो खर्चा है वो बढ़ सके, आर्थिक संकट की स्थिति में ऐसा किया जाता है और देश के आम लोगों के खर्चों में बढ़ोतरी होने से मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। यही पैसा हेलीकॉप्टर मनी कहलाता है, क्लियर है? सरकार जो लोगों को सीधे पैसे देती है ना, ताकि उनकी मांग बढ़ सके और उनकी मांग अगर बढ़ेगी, उनकी खर्च अगर बढ़ेगा तो मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और वही जो है हेलीकॉप्टर मनी कहलाती है। बस इतना सा आपको समझना है। हेलीकॉप्टर मनी की खोज साल 1970 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने की थी। हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल कोई भी सरकार उस वक्त करती है जब देश में आर्थिक संकट चरम पर हो, देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बन गई हो, जब सरकार सीधे तौर पर लोगों को पैसे देती है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वर्ष 2018 से 21 तक वनों की कटाई दर कितनी है, है ना? ये क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, यही क्वेश्चन था, कुछ और था पता तो नहीं है, बट हमने आंसर देने की कोशिश की है पूरी डिटेल के साथ में। देखिए हाल ही में वन घोषणा आकलन 2022 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि वर्ष 2018 से 20 आधार वर्ष की तुलना में दुनिया भर में वनों की कटाई की दर में केवल वर्ष 2021 में 6.3% की गिरावट आई है, क्लियर है? वर्ष 2021 में वनों की कटाई में ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा योगदान करता था। आधार वर्ष 2018-20 की तुलना में देश ने वर्ष 2021 में वनों की कटाई की दर में 3% की वृद्धि की है। अब देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, हमने 3-4 चीजें आपको बता दी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी थी? ये क्वेश्चन बनाया है आपका, तो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम आपका सही जवाब रहेगा। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा, जिसे नगर पालिका कहा जाता था, क्लियर है? इसे नगर पालिका कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक के प्रावधान शामिल है। यह अधिनियम प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष की अवधि का कार्यालय जो प्रदान करता है। नगर पालिका के सभी सदस्यों को सीधे उस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं के सभी चुनावों की तैयारी और संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये राज्य चुनाव आयोग होता है, ना कि चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग। तो ये राज्य का चुनाव आयोग होता है, नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए जिम्मेदार। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एक उपाधि से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उपाधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका पुस्तक से रिलेटेड पूछा गया है, कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है और सूचकांक से रिलेटेड 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। इस हिसाब से गाइस क्वेश्चंस जो बने हैं वो आपको पूरे हमने बता दिए किस किस तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से बने हैं, सारी चीजें पूरी डिटेल में बताइए। अब हम साइंस का फटाफट और कवर कर लेते हैं, साइंस में क्या क्वेश्चंस बने हैं। देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन बनाया, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, क्रोमियम। ये रक्त में नहीं पाया जाता है, रक्त में क्रोमियम नहीं पाया जाता है। क्रोमियम एक खनिज है जो शरीर में इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के स्तर को प्रभावित करता है। आयरन रक्त उत्पादन के लिए एक आवश्यक तत्व है, क्लियर है? तो क्रोमियम आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन बना है, वजन की यूनिट क्या है? वजन की यूनिट न्यूटन है, न्यूटन। वजन को किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। वजन वास्तव में एक बल है और वजन की ऐसी इकाई जो है ये न्यूटन है। अगला क्वेश्चन बना है, परमाणु स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये नहीं मिल पाया, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल पाए। परमाणु स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि धातु में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है, क्लियर है? धातु में किसका प्रयोग किया जाता है या कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा था। हम देखिए टॉपिक आपको बता रहे हैं, पूरा चीजें वहां पर बता रहे हैं कि कहां कहां से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग पाए और आप उन चीजों को पहले ही कवर कर पाए। तो ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका सोडियम से पूछा गया है, सोडियम से एक क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा गाइस अम्ल से एक क्वेश्चन पूछा है आपका कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपके लिए लेकर आए। देखिए लिटमस जो पेपर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस, क्लियर है? अम्ल या अम्ली विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, यही क्वेश्चन है ना, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को जो नीला करता है ना, नीले लिटमस को लाल, ये वाला है, और देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये कौन करता है, इसलिए विलयन,
कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वहां क्षारी विलियन होता है, क्षारी विलियन होता है। इन दोनों में से कोई सा भी है आपका ऑप्शन यही है, आप देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से आपका इन दोनों में से ही आपका क्वेश्चन बना है। क्लियर है? तो अम्ल या अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है ना, और लाल लिटमस पेपर क्षारी क्षारकी या क्षारी परिस्थितियों में नीला हो जाता है। इसलिए यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वहां क्षारी विलयन होता है। क्लियर है? दोनों में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बना है, जो कि यहाँ पर पहला अम्ल से रिलेटेड है या क्षार से हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में श्वसन लेते समय कौन से गैस लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में श्वसन लेते समय जो गैस ली जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही जवाब रहेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य से प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तथा उस ऊर्जा का बाद में पौधों द्वारा अपने कोशिकीय कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण उसको हम कहते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है संवाहक से, संवाहक अणु से रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन बना है। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड ऑर्डर दो एटम द्वारा एक साथ होल्ड किए जाने वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या होता है। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पर भी हमने साइंस में भी आपको काफी क्वेश्चंस बता दिए, टॉपिक भी बता दिए, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में SICI से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, माध्यमिका से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। देखिए अगर ये दोनों टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 8-9 नंबर के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इसके अलावा लाभ हानि प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है? प्रायिकता से 2 क्वेश्चन बने हैं, 2D से 1 क्वेश्चन बना है, 5 से 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है? इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न से क्वेश्चन बने हैं, और भी टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, बट ज्यादा जो बने हैं इनसे बने हैं। क्लियर है? रीजनिंग में अगर हम बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन बने हैं, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन बने हैं, रैंक से 3 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा कैलेंडर से 1, क्लॉक घड़ी से 1 क्वेश्चन बना है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादातर क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। आप और भी टॉपिक को पढ़िएगा, बट इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यही से पूछे जा रहे हैं। हमने सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर आपको बता दिया कि कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें आधे अधूरे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से हमें बताएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आपका आरक्षक की टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहारी फॉरेस्ट गार्ड की है, MPPSC की टेस्ट सीरीज है, MP करंट अफेयर की ईबुक 2022 की, इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है महाशिवरात्रि ऑफर के तहत। तो 90% तक की छूट दी जा रही है आपको, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफर है, 22 फरवरी रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से विजिट करिएगा एप्लीकेशन पर, वहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्लियर है? इस वीडियो की PDF फाइल ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं कहां पर मिलेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आने की कोशिश करते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।